अस्सलामुअलैकुम मीज़, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है सर? दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आपको तंदरुस्ती दे, आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह मियाँ उनको औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह मियाँ उनको तंदरुस्ती दे। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो नए व्यूज़ हैं, आज मैं आपको एक मिलाने जा रहा हूँ, एक 12 साल के बच्चे के साथ जिसने 50 मुर्गियां पाल रखी हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वो आप अपना घर का रिज्क, अपने घर का राशन और अपना घर का चूल्हा चला रहा है। ये देखें, ये बच्चे ने छोटा सा फार्म बना हुआ, और तो तकरीबन 50 से 60 मुर्गियां इसने पाल रखी हैं, जो अंडों की पैदावार इनसे लेता है। छोटा सा फार्म बनाया हुआ, देखें। और इनसे अंडों की पैदावार ये लेता है। कुछ अजाफी बच्चे अलहदा भी पाल रखे हैं इसने, देखें ये कितना शौक है इस छोटे से बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है छोटे भाई? तभी से ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, ये कितनी मुर्गी हैं आपने पाल रखी? 50 मुर्गी। 50 मुर्गी, अच्छा। और ये छोटे छोटे बच्चे पाले थे आपने? हाँ छोटे। अच्छा, आपको कितने ये अंडे आप कितने इनसे लेते हैं? अंडे कितनी देती हैं मुर्गियाँ? 50 मुर्गियों में से अंडे कितने देती हैं आपको? 45 अंडे देती। अच्छा, फिर ये अंडा कितने का सेल करते हैं? 20 रुपये। अंडे आप खुद सेल करते हैं या यहाँ आके ले जाते हैं लोग? इतने का भी लोग ले। अच्छा, और ठीक है, तो इनको आप कैसे शौक आपको लगा इन मुर्गियों का? ये पैसे सही थे। और ये आपको कैसे शौक पड़ा? ये बाहर की नौकरी करने नाले इतने सही है, तो नाले अपना घर का सर के चल रहा 12-13 सौ रुपये। अच्छा, वो आपने कोई और भी काम करते हैं साथ? हाँ माल भी रखा है, 2-3 जंगल के अच्छा घर का सर अच्छा आप जो अपना आपके साथी आपके हम उम्र बच्चे हैं, आप उनको क्या सबक देना चाहते हैं? अच्छा, आप क्या सबक देना चाहते हैं जो आपके हम उम्र हैं, वो नौकरियां करें या कोई अपना कारोबार करें? ये काम अच्छा है, ये करें। अच्छा,